द्वारका के सेक्टर 22 के डीडीए पॉकेट में आज सभी डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारियों की टीम पहुंची, जहां उन्होंने इलाके में चल रहे कामों के साथ लोगों से जुड़े आवश्यक कार्यों का जायजा लिया और उसके समाधान के लिए एक ड्राइव की शुरुआत की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्थानीय निगम पार्षद, RWA और सभी सरकारी एजेंसियों की टीम यहाँ मीटिंग कर रही है और कामों का जायजा ले रही है, साथ ही आमजनों से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा की गई। 22 डीडीए पॉकेट में है, सतत के ये फ्लैट्स हैं और यहाँ पर RWA के साथ मीटिंग हुई, जिसमें हमारा पूरा स्टाफ, चाहे वो सफाई के लिए हमारा डैम्स डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर और स्टाफ यहाँ पर था। RWA से बात हुई है, जो जो काम चल रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन हुआ है और क्या किया जा सकता है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। और फॉगिंग भी किया गया है इसमें? इसमें आज सारे ही काम फॉगिंग भी किया गया है और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी अपना काम कर रहा है, कैंप्स का डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी अपना काम कर रहे हैं, सब डिपार्टमेंट के लोग भी अपना काम आज यहाँ पर रोज ही करते हैं, लेकिन क्योंकि आज टीम आई है तो वो अपना काम भी यहाँ पर कर रहे हैं। मेरा नाम रोहतास है, एरिया मलेरिया इंस्पेक्टर द्वारका। सर आज कहाँ आए थे, क्या बात हुई आपकी, क्या कर रहे हैं? हमारा बेसिक काम डेंगू कंट्रोल का है इस टाइम पे, तो हम सारी द्वारका में लगे हुए हैं। आज मैडम कंवल जी चरावत हमारी एरिया काउंसिलर है, उनका राउंड था सेक्टर 22 SFS फ्लैट में, तो हम अपनी टीम के साथ यहाँ पे एंटी लार्वल दवाई का छिड़काव करा रहे हैं, तो धुएं का छिड़काव करा रहे हैं मच्छर और डेंगू कंट्रोल के। पार्क में भी कुछ किया जा रहा है? पार्क को तो हॉर्टिकल्चर और सैनिटेशन डिपार्टमेंट, डेंगू डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। मेरा बेसिक काम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट डेंगू।